हे वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों 15,000 के आसपास स्मार्टफोन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन रियलिटी में अच्छे कैमरा स्मार्टफोन बहुत ही कम है 15,000 के आसपास। बट फिर भी इस प्राइस पॉइंट पर जो भी अच्छे कैमरा स्मार्टफोन थे उन्हीं स्मार्टफोन को हमने इस वीडियो के अंदर रखा है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000। जो भी स्मार्टफोन मैं आपको बताने वाला हूँ फिलहाल आपको 15,000 के आसपास मिल ही जाएगा। बाकी इन पांचों स्मार्टफोन के कैमरा परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही, इसके साथ ही बाकी के फीचर्स भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 5G का सपोर्ट होगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज भी मिलेगा और भी कई सारे तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आपको चाहिए कैमरा फोन या फिर बेस्ट फोन अंडर 15,000 तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एज यूजुअल आपको समझने में थोड़ी सी इजीनेस हो इसलिए हमने इन पांचों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। सो गाइज हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक काफी बैलेंस्ड स्मार्टफोन है, बाकी कैमरा परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा ही आपको। जी हाँ, इस फोन का नाम है ओप्पो K10। ओप्पो के जो स्मार्टफोन होते हैं कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं, तो इस फोन का भी कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। खैर क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलता है चलिए डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ है। 8.4mm की थिकनेस है एंड 189g वेट है। सो वेट और थिकनेस ठीक ठाक है, तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, मैट फिनिशिंग के साथ आता है। खैर बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है जिसकी आउटपुट ठीक ठाक है। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सिम टेम्पर लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन कलर ओएस 11.1। इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है। खैर इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें मिलता है 5000mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का समय लगता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो ये फोन 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट। 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है और 600 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। और डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। हालांकि एमोलेड डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेहतर रहता क्योंकि ये एक 4G फोन है। खैर इसके साथ अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50MP का है जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। सेकंड कैमरा 2MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है और थर्ड कैमरा भी 2MP का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। सो जी हाँ, इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है। वैसे रियर कैमरे से फुल HD में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वही फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है जो कि पंचोल कैमरा है और ये सोनी IMX471 वाला सेंसर है। फ्रंट कैमरे से भी फुल HD में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे की परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, डे लाइट कंडीशन में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है और वैसे भी ओप्पो के स्मार्टफोन के कैमरा काफी अच्छे होते हैं, तो कैमरा के लिए डेफिनेटली इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 680 वाला 4G चिपसेट जो कि एक डिसेंट टाइप का चिपसेट है। 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। 270,000 के आसपास आंध्र स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छा स्कोर है चिपसेट के अकॉर्डिंग। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है और वर्चुअली 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस सेगमेंट में भी ठीक ठाक है ये फोन, नॉर्मल यूजर्स में कोई इशू नहीं होगा, मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हैं लेकिन ये एक गेमिंग फोन नहीं है। लास्टली कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं तो 5G का सपोर्ट नहीं है, बाकी ड्यूल 4G वोल्टी के साथ आता है, ड्यूल बैंड वाईफाई दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग मिल जाएगा आपको और ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ आता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 6128 के लिए अराउंड 14,000 रुपीज है और 8128 के लिए अराउंड 17,000 रुपीज है। प्राइजेस थोड़े बहुत फ्लैक्चुएट हो सकते हैं टाइम के साथ, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, स्पेशली कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। खैर ये रहे इस फोन के डिटेल प्रोज एंड कॉन्स। और गाइस नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक अच्छा कैमरा फोन तो है ही, इसके साथ ही ये एक ट्रूली 5G फोन भी है। तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। 15,000 के नीचे अगर आपको एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए या फिर बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग की तरफ से तो ये फोन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्या कुछ फीचर्स दिया गया है इस फोन के अंदर भी चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है।
8.4 mm की थिकनेस है एंड 198 ग्राम वेट है। तो वेट और थिकनेस ठीक ठाक है एंड ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफी सही है। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड सिम टाइम पर लगा पाएंगे। इस फोन में हमें सिंगल स्पीकर मिलता है जिसकी आउटपुट ठीक ठाक है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन वन यूआई 4.1। सैमसंग इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है और 3S तक सिक्योरिटी पैच अपडेट, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन बग्स वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलता है। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 25 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे इस फोन में आपको अडेप्टर नहीं मिलता है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है, बाकी एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। खैर इसके साथ अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि IPS का ही टाइप है। 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 240Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, वाइड पैनल 1 सर्टिफाइड है और 600 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। बाकी डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, काफी ब्राइट डिस्प्ले है जबकि TFT पैनल है और डिस्प्ले काफी स्मूथ भी है। बात करें कैमरा के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है जो कि सैमसंग का ही JN1 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। वहीं थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं 1080p में 60fps तक। फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि वी नॉच कैमरा है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फोन का जो प्राइमरी कैमरा है काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है अच्छे लाइट कंडीशन में, वहीं अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। बाकी फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस एवरेज टाइप का है। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 750G वाला 5G चिपसेट 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 3 लाख के आसपास अंतर स्कोर देखने को मिल जाती है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है और वर्चुअली 6GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। ऑल्सो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, डिसेंट टाइप का। आराम से आप नॉर्मल टू मीडियम लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। वैसे आप लंबे समय तक गेमिंग करोगे तो ये फोन हीट होगा। लास्टली कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है जिसके कारण ये एक फुल्ली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन भी है। ड्यूल 4G वर्ल्डी के साथ आता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट अवेलेबल है, वाईफाई कॉलिंग भी दिया गया है। अच्छी बात यह है कि NFC का भी सपोर्ट अवेलेबल है और क्योंकि ये एक सैमसंग का फोन है तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको बिना अनाउंसिंग वाला, जो कि आपको बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल आपको 4/128 के लिए 15,000 रुपए देने होंगे और 6/128 के लिए 16,000 रुपए। सो इस फोन के भी थोड़े बहुत प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं आगे जाकर, और हाँ थोड़े बहुत बैंक डिस्काउंट भी मिल ही जाएगा, वो आप चेकआउट कर लेना, बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस फोन को अगर हम समअप करें तो अगर आपको 15,000 के नीचे एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि ट्रूली 5G फोन हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो और कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो तो डेफिनेटली इस फोन को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, और नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है इस फोन में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ में ही 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेटअप भी दिया गया है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Realme 9 4G। जनरली ये फोन 17 से 18 हजार के आसपास आता है, बट फिलहाल ये फोन आपको बिना किसी बैंक ऑफर के 15,000 के नीचे मिल जाएगा और 15,000 के हिसाब से ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है। सो क्या कुछ फीचर्स हमें मिलता है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो दिखने में ये फोन भी काफी अच्छा है। हालांकि कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। वैसे ये फोन काफी स्लिम है, सिर्फ 8 mm की थिकनेस है एंड 178 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। इस फोन में आपको मिलता है सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और स्पीकर की क्वालिटी अच्छा है। अच्छी बात यह है कि बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि बहुत ही रेयरली मिलता है आपको किसी भी स्मार्टफोन में, स्पेशली 15,000 के नीचे। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 3.0। सो थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिलेंगे जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे, बाकी UI के अंदर ज्यादा लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलेगा आपको। सो ये तो हो गया कुछ बेसिक फीचर्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त मिलेगा आपको। आराम से 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप ये फोन आपको दे देगा
बात करें डिस्प्ले के बारे में जो कि आपको अच्छा मिलता है, इस फोन में लगा हुआ है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए। वाइड 1L1 का सपोर्ट है, एचडीआर कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे और 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जिससे आपको ब्राइटनेस इशू नहीं होगा आउटडोर यूजेस में भी। और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा, मल्टीमीडिया के लिए अच्छा रहेगा ये फोन क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त मिलता है आपको। इसके साथ ही अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है जो कि सैमसंग का HM2 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और ये ओमनी विजन का सेंसर है। वहीं थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो किसी भी तरह का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इस फोन में जो चिपसेट लगा हुआ है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता ही नहीं है। इवन 1080p में 60fps तक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। खैर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि सोनी IMX 471 वाला सेंसर है और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का देखने को मिलता है। डे लाइट में प्राइमरी सेंसर काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, वहीं सेल्फी कैमरे की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। तो कैमरा के लिए फोन डिसेंट टाइप का रहेगा। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट जो कि एक वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है। 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होती है। 280,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X वाला रैम है और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलने वाला है, डे टू डे यूजर्स में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़े बहुत गेमिंग कर सकते हैं लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए ही फोन लेना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ आता है। बाकी दोस्तों 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है, हो सकता है अपडेट के थ्रू रियल में पुश कर दे। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 6128 के लिए 14,500 रुपए देने होंगे और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 18,000 रुपए देने होंगे। तो 8128 वाला 18,000 के आसपास बिल्कुल भी बाय मत करना, 6128 वाला बाय कर सकते हो क्योंकि फिलहाल बिना किसी बैंक ऑफर के 14,500 के आसपास मिल रहा है और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन में आपको मिलता है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वो भी 15,000 के आसपास। ऑल्दो कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट टाइप का मिल जाता है। खैर इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो, ये भी एक काफी अच्छा पैकेज है 15 से 16,000 के प्राइस पॉइंट पर। क्या कुछ फीचर्स दिया गया है इस फोन के अंदर भी, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बाकी डिजाइन वगैरह काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा यूनिक डिजाइन मिलता है आपको। और अच्छी बात यह है कि ये फोन काफी पतला है, सिर्फ 7.8mm के थिकनेस के साथ आता है एंड 192 ग्राम वेट है, तो वेट थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 4G सिम और 1 memory card सेम टाइम पर लगा पाएंगे। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जो कि DTS ट्यूनिंग के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि काफी फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 10.6 और सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर जरूर मिलेंगे आपको, बाकी बग्स वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वैसे इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इस फोन को इन्फिनिक्स 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है। सो चलिए अब जानते हैं इस फोन के कुछ मेन फीचर्स। तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें मिलता है 5000mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और मीडियम यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में हमें 6.7 inches की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो हायर रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है। 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, वाइड 1L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते और 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जिससे आपको ब्राइटनेस से इशू नहीं होगा। बाकी डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हमें अच्छा मिल जाता है, काफी पंची कलर देखने को मिलता है लेकिन इस नॉच की वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो सकता है आपको और हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं है। खैर बात करें कैमरा के बारे में तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल वाला है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ कैमरा है और थर्ड कैमरा AI लेंस है। तो हाँ इस फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है। रियर कैमरे से आप 2K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वही फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से भी 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में।
ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों ही सिनेरियो में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। कलर्स थोड़े से बूस्टेड दिखाता है जो कि आपको थोड़ा सा आई प्लीजिंग लगेगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेलिंग की कमी दिखेगी आपको। सो कैमरा के लिए ठीक ठाक रहेगा ये फोन। परफॉर्मेंस सेगमेंट के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें मिलता है ब्रांड न्यू मीडियाटेक G99 वाला 4G चिपसेट जो कि 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 370,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है और वर्चुअली 5 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, तो टोटल इस फोन में 13 GB तक रैम मिलेगा आपको। तो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस सेगमेंट में अच्छा रहने वाला है ये फोन, डे टू डे टास्क में कोई इशू नहीं होगा, बाकी आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं इस फोन से। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 5G का सपोर्ट तो नहीं मिलता है, बाकी ड्यूल 4G वोल्ट के साथ आता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है और ये अच्छी बात है। ड्यूल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ आता है, बाकी NFC का सपोर्ट भी अवेलेबल है। सो कनेक्टिविटी से भी ज्यादा इशू नहीं होने वाला है आपको। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 16,000 रुपए पे करने होंगे, बाकी थोड़े बहुत बैंक डिस्काउंट भी मिल ही जाएगा आपको, वो आप चेकआउट कर लेना, बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। और गाइस नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये भी एक 5G फोन है और साथ में ही इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Vivo T1 5G। ये जो फोन है बेस्ट सेलिंग 5G स्मार्टफोन है अंडर 20,000। इस फोन की जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है काफी अच्छा है, तो क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलता है इस फोन के अंदर भी, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। पतला फोन है, सिर्फ 8.2 mm के थिकनेस है एंड 187 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। इस फोन में सिंगल स्पीकर लगा हुआ है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं है, लेकिन स्पीकर की आउटपुट अच्छा है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फास्ट है। अच्छी बात यह है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, बेस्ड ऑन फन टच OS 12। 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा आपको, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर जरूर मिलेंगे आपको। इसके साथ ही अगर हम कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, बाकी 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप ये फोन आपको इजीली दे देगा, तो बैटरी बैकअप से तो इशू नहीं होगा आपको, लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम जरूर है, एटलीस्ट 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में जो कि आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट जो कि एक बहुत ही अच्छा 5G चिपसेट है। 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी, लगभग 410,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 3 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे एंड ऑल्सो ये फोन 5-layer लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ भी आता है जिससे ये फोन बहुत ही कम हीट होता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा रहने वाला है, डे टू डे यूजर्स में कोई लैग और शटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, आराम से आप नॉर्मल टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं, अप टू 40 FPS तक गेम प्ले करवा सकता है ये फोन आपको BGMI में। वैसे इस फोन का जायरोस्कोप सेंसर अच्छे से काम नहीं करता है, तो अगर आप जायरो प्लेयर है तो शायद ये फोन आपके लिए बेटर ना रहे। खैर अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है सिर्फ 2 5G बैंड्स का सपोर्ट जो कि है N77 और N78। तो इस फोन को हम फुल्ली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन नहीं कह सकते, लेकिन ये जो 2 5G बैंड्स है मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है, तो हो सकता है 5G को लेकर आपको ज्यादा इशू ना हो। इसके साथ ही ड्यूल 4G वोल्ट का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ आता है। वैसे इस फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है और NFC का भी सपोर्ट नहीं है, तो कनेक्टिविटी के मामले में ये फोन डिसेंट टाइप का है। बात करें कैमरा के बारे में तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है, ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है, सेकंड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है और थर्ड कैमरा भी 2 MP का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है, रियर कैमरे से आप 1080p में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है जो कि वी नोच कैमरा है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, डे लाइट में काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, इवन लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक है, और वैसे भी वीवो के स्मार्टफोन में कैमरा से ज्यादा इशू नहीं होता है। हाँ अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो और अच्छा रहता, वैसे फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी अच्छा है।
लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए। वाइड वन L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे। 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है तो ओवरऑल डिस्प्ले भी हमें अच्छा मिल जाता है, डिसेंट टाइप का है। डे टू डे यूजर्स में बहुत ही स्मूथ फील होगा आपको, बस इस नॉच के वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो सकता है आपको। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 4/128 के लिए 16,000 रुपए है और 6/128 के लिए 17,000 रुपए और 8/128 के लिए 20,000 रुपए है और 1,000 से 1,500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल ही जाएगा। खैर इस फोन को भी अगर हम समराइज करें तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए 15 से 16,000 के प्राइस पॉइंट पर जिसका कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, स्पेशली सेल्फी कैमरा, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा हो और परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास हो तो डेफिनेटली इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। ये रहे इस फोन के डिटेल प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज यही थे टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000। प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हमेशा फ्लैक्चुएट होती रहती है। बाकी अभी भी आपका कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।